तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी ने ये खबर देखी कि किस तरीके से अस्पताल को चमकाया जा रहा था, अस्पताल में काम किया जा रहा था। कल रात को 11 बजे 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे सामने ये स्लैब बनाई जा रही थी और इस स्लैब को तैयार करके इसके ऊपर ये वाटर कूलर रखा गया, जो मैं कल रात को जब आया था तो अपने डब्बे से बाहर निकल के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था उसको लगाने का। लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी। लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुंचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, इस दबाते रहिए, इंतजार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण यह है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है और ठंडा होता है और लोग वहां से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है। और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होना था, यहाँ पर उसका कनेक्शन करा नहीं गया, पानी इससे चालू नहीं करा गया, तो ये शोपीस बनाकर ऐसे 8 वाटर कूलर रखे गए। अब आप समझ लीजिए कि वीवीआईपी के आने से पहले किस तरीके की तैयारियां होती हैं और कितनी सुविधाएं आम दिनों में मोरबी के सिविल अस्पताल में होती हैं।